इसी बीच बड़ी खबर आपको देते हैं जयपुर से, जहां पर पीसीसी में जनसुनवाई कार्यक्रम, सीएचए प्रतिनिधि मंडल भी जो है वो पीसीसी पहुंचा है। पार्टी पदाधिकारी जो हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कल भी प्रतिनिधि मंडल ने पीसीसी में हंगामा किया था। बड़ी खबर इस वक्त की, तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, जहां पर पीसीसी में जनसुनवाई कार्यक्रम में सीएचए प्रतिनिधि मंडल यहां पर पहुंचा है। पार्टी पदाधिकारी जो है उन्हें समझाने की कोशिश में लगे हैं। आपको बता दें कि कल भी प्रतिनिधि मंडल ने यहां पर पीसीसी में पहुंचकर हंगामा किया था जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान। 54 दिन अभी तक हो चुके हैं जब से सीएचए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं अपनी मांग को लेकर सीएचए जो है वो फिलहाल यहां पर जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पीसीसी में जनसुनवाई कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, जहां पर प्रतिनिधिमंडल बातचीत करने के लिए पहुंचा, कल भी इसी तरीके से पहुंचा था, कल भी हंगामा जो है वो देखने को मिला था, हंगामा यहां पर किया गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके समझाइश की कोशिश जो है वो प्रतिनिधिमंडल को की गई है। कल भी इसी तरीके से हंगामा देखने को मिला, तो समझाने की कोशिश की गई है, पार्टी पदाधिकारी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुशांत पारिक ब्यूरो हेड खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, कल भी तस्वीरें इसी तरीके सामने आई थी, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, अभी तो एक तरीके से समझाइश के जरिए मामला शांत किया गया है, और जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि सीएचए पीसीसी की जनसुनवाई में रोजाना आएगा, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि अंदर आने दिया गया था और मंत्री के सामने ही आत्महत्या की धमकी जो दी गई, हंगामा हुआ, बहस भी हुई, उसके बाद मंत्रियों ने भरोसा दिया तो वहां से प्रतिनिधिमंडल गया। उसके बाद भी गोविंद सिंह डोटासरा के घर पे, या जिस तरह की तस्वीरें हमने बरसात के मौसम में रात को देखी कि कैसे डटे हुए थे, ये लगातार जो है अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन पीसीसी में आज एंट्री नहीं थी इनकी, बाहर पुलिस बल तैनात था, गेट पर पीसीसी के पदाधिकारी, सेवादल के पदाधिकारी खड़े थे और उन्होंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, लेकिन पीसीसी का कार्यक्रम, एक महीने का कैलेंडर जो है वो जारी किया गया है, और निश्चित तौर पर अगर हम कल भी देखें तो कल जनसुनवाई होगी और एक बार फिर से इसी तरह की तस्वीरें, इसी तरह का हंगामा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशांत इस तमाम जानकारी के लिए। सुशांत ब्यूरो हेड यहाँ पर जानकारी देते हुए, जिस तरीके से सीएचए जो है वो पीसीसी के जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, कल भी इसी तरीके से जो है वो सीएचए का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, आज भी इसी तरीके से पहुंचकर हंगामा हुआ, हालांकि समझाइश जो है वो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन एक तस्वीर साफ है कि लगातार जिस तरीके से जनसुनवाई कार्यक्रम चल रहे हैं इसमें सीएचए बार बार पहुंचते रहेंगे। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर किस तरीके से हंगामा जो है वो हो रहा है सीएचए की तरफ से, और समझाइश के तमाम प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं पीसीसी ऑफिस के अंदर। कल जिस तरीके से मंत्री के सामने पहुंचकर ही अपनी बात जो है वो रखी गई थी, आत्महत्या तक की बात जो है वो कही गई थी सीएचए की तरफ से, और वहीं आज भी तकरीबन ऐसी तस्वीरें, हालांकि समझाइश के प्रयास जो है वो लगातार जारी। तो लगातार जो है वो हंगामा सीएचए का एक तरफ जारी है, धरना प्रदर्शन 54वें दिन भी पहुंच चुका है, विरोध प्रदर्शन, लेकिन कोई स्थिति जो है वो सुधरती हुई नजर नहीं आती है, ना कोई रास्ता जो है वो निकल रहा है। और अब पीसीसी में जो जनसुनवाई कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भी सीएचए अपनी मांगों को लेकर अब पहुंच रहे हैं, अपनी बात जो है वो मंत्रियों तक पहुंचा रहे हैं, हालांकि आश्वासन जो है वो बार बार मिलता है, लेकिन अभी भी किसी तरीके का कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं सूझ रहा है। तो प्रतिनिधि मंडल को समझाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है, और समझाइश के बाद मामले को शांत कराया गया है। जनसुनवाई कार्यक्रम आपको बता दें कि पीसीसी में चल रहा है, जहां पर मंत्री रोजाना जो जनसुनवाई है वो कर रहे हैं। आप सीएचए को अलग हो जाओ।
सुशांत ब्यूरो हेड हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सुशांत, अभी क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर? देखिए सुमित, समझाइश की गई थी लेकिन अभी फिर से नारेबाजी का दौर शुरू हो गया है। लगातार अपनी मांग को लेकर नारेबाजी पीसीसी के बाहर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस कर्मियों ने समझाने की कोशिश की। हालांकि जो है आश्वासन जो है ना केवल कल मंत्रियों की तरफ से, पीसीसी पदाधिकारियों की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता इनका अभी तक नहीं निकल पाया है जिससे इनको भरोसा हो सरकार पर। कोई ऐसा बयान सरकार की ओर से अभी तक नहीं आया। कल पीसी कांका से भी सीएमओ में इनकी बातचीत हुई थी लेकिन वार्ता विफल रही और ऐसा कोई प्रावधान सरकार में अभी नहीं है। तो एक तरीके से ये जो पिछले करीब 55-56 दिनों से जो धरना चल रहा है वो अभी तक जो है बेनतीजा है। मंत्रियों के स्तर पर कहें, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के स्तर पर कहें, अगर हम पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी की बात करें, वो भी गए, हेल्थ मिनिस्टर ने भी बात की, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। इनके पास अब एक रास्ता है कि ये जहां भी सरकार का कार्यक्रम हो, जैसे पीसीसी में मंत्री जन सुनवाई कर रहे हैं, अपनी बात कहें, लेकिन आज चूंकि इनको रोक दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया, पुलिस जाप्ता बाहर जो है पीसीसी के बाहर रहता है जन सुनवाई में, उससे रोका तो लिहाजा अब हंगामा है और हंगामे की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पीसीसी में जन सुनवाई में एक बड़ा परेशानी का सबब हो सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग प्रदेश भर से आते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर। वो उम्मीद करते हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए और समाधान भी निकले, लेकिन अगर इस तरीके से हंगामे की तस्वीरें अगर हम रोजाना पीसीसी के बाहर देखेंगे तो एक फिर पीसीसी की जो जन सुनवाई है उसके कार्यक्रम में भी जो है डिस्टर्बेंस हो सकता है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें यही कि पीसीसी के बाहर सीएचए का हंगामा, नारेबाजी सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर और कोशिश है कि मंत्री उनकी बात सुने। जाहिर है क्योंकि जो है 54 दिन से ऊपर का पूरा अभी तक विरोध प्रदर्शन का जो जो कार्यक्रम है ये हो चुका है, जो सीएचए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक बात भी पहुंची है, बातचीत जो है समाधान निकालने के प्रयास भी हुए हैं। और पीसीसी के अंदर जो जनसुनवाई कार्यक्रम होता है सुशांत, वो सिर्फ एक जरिया होता है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अगर किसी महकमे के अंदर उनकी जनसुनवाई नहीं हो रही है। जब सीएचए अपनी बात को लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं तो मंत्रियों के सामने क्या वो कह रहे हैं? क्योंकि बातचीत तो बार बार इससे पहले भी हुई है, सरकार तक बातचीत तो पहुंच ही चुकी है। देखिए आज जो है पशुपालन डिपार्टमेंट के, कृषि मंत्री डिपार्टमेंट के अधिकारी और मंत्री लालचंद कटारिया और जाहिदा खान जो कि विज्ञान शिक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर हैं। और आज की जो सब्जेक्ट है वो सीएचए से जुड़ा हुआ मंत्रियों का नहीं है। कल भी जो हमने देखा वन जो मंत्री थे वो थे और अल्पसंख्यक मामला मंत्री थे, दोनों ही मंत्रियों ने बात सुनी थी लेकिन उनके पास कोई समाधान का ऐसा जरिया नहीं है। वो केवल सीएम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और सीएम तक बात जो है वो कुलदीप लांका के जरिए पहुंच गई थी। सीएमओ में कल इनका प्रतिनिधिमंडल गया, इससे पहले ये पीसीसी चीफ से भी मिल चुके हैं। तो कुल मिलाकर बातचीत का मकसद जो है वो इनका लगातार प्रेशर बनाना है सरकार पर। और आप ये देखिए कि 55-56 दिन तक अगर धरना चल रहा है और कोई रास्ता नहीं निकल रहा है तो आप ये समझिए कि सरकार के पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं है सुमित, जिसके जरिए इनकी मांगों को, जो खासतौर पे चाहते हैं कि कोविड काल में हमने अपनी ड्यूटी निभाई, लोगों की मदद की, अब हमें एक भूमिका सरकार में दी जाए, वो किस तौर पर हो, किस रूप में हो, उसका कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। और चूंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर सरकार रोजगार देने का प्लान बनाती है तो निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो भी खड़े होंगे कि अस्थायी तौर पर हमें भी काम में लिया गया था, आप हमारी भूमिका भी तय कीजिए। सरकार को एक प्लान बनाना होगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों से भी लगता है कि हाल फिलहाल कोई रास्ता ऐसा नहीं लग रहा है जिससे इनकी मांगों का पूर्ण स्थायी समाधान हो। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है जिस तरीके से बातचीत जारी है कि कोई रास्ता निकले, इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, क्या भूमिका हो उसमें समय लग रहा है। लेकिन पीसीसी के बाहर कल जो तस्वीरें हमने अंदर देखी थी, आज वो तस्वीरें बाहर हैं और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि जब एक महीने का कैलेंडर पीसीसी का जारी कर दिया गया है तो फिर ये सीएचए की ओर से प्रदर्शन और इस तरह का हंगामा हमें देखने को मिलेगा। चलिए बहुत शुक्रिया सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का।